हिमाचल प्रदेश देखिए, आज जो है लोकतंत्र का पर्व जो है इलेक्शन आज के दिन जो है हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है लोकसभा का, और 6 सीटें जो है विधानसभा का। तो मैं समझता हूँ लोगों का अपना अपना मत है, जिस हिसाब से भी डालेंगे, और रिजल्ट 4 तारीख को है, और पॉजिटिव ही रहेंगे। देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो मुद्दे हैं वो डेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं, महंगाई के मुद्दे होते हैं, बेरोज़गारी के मुद्दे होते हैं। कांग्रेस जो है डेवलपमेंट और मुद्दों के ऊपर बात करती है, परंतु बीजेपी जो है वो केवल मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, मीट मछली, मंगलसूत्र, मुजरा, भैंस, इसके अलावा उनका कोई मुद्दा ही नहीं है। युवाओं के लिए क्या पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी क्या है, डेवलपमेंट प्लान क्या है, महंगाई के ऊपर क्या करने जा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ केवल मात्र एक ही व्यक्ति है जिसे मोदी साहब के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं, और अपना अगर इनसे पूछें कि इन्होंने क्या किया है तो जवाब देने में असमर्थ रहते हैं। देखिए, जो डाटा के हिसाब से, इलेक्शन कमीशन के डाटा के हिसाब से है, अभी हिमाचल में तो अच्छी पोलिंग जो हो रही है, इसका कारण एक ये भी हो सकता है क्योंकि 6 विधानसभा का चुनाव भी जो है वो भी है, तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो हिमाचल में अच्छा हो रहा, पोलिंग जो है अच्छी हो रही है। और मैं समझता हूँ जो फीडबैक जो हमारे को आया है, हम लोग अच्छी सीट जो है लोकसभा की, जैसे 4 सीटें पहले लोग बाई इलेक्शन की जीते थे, फिर 40 सीटें विधानसभा में आई थी, और आप देखेंगे न केवल हिमाचल प्रदेश, पूरे देश में जो है आज बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। बीजेपी पहले 400 पार का जो है एक नैरेटिव जो है सेट करने की कोशिश कर रही थी, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज के बाद जो है वो बंद हो गया, और आज जो है वो अभी घर में बैठे ही हैं दुबके हुए, उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनको पता है कि मैं नहीं समझता हूँ कि 180-200 सीटों से ऊपर बीजेपी जो है पूरे देश में आ रही है।